अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का टॉपिक है। प्रीवियसली हमने जो है सिंपली एक इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने जो है सिंपली ये देखा था कि प्रॉपर्टी होती क्या है और प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो आज हम जो है सिंपली सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 4 तक देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली जो है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन सिंपली करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा अपने कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये सिंपली ट्रांसफ़र की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिंपली जो है इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या पता चलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, रिपीलिंग एंड सेविंग क्लास, इंटरप्रिटेशन क्लास, इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सिंपली सबसे पहली चीज़, कोई भी अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द एक्ट नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्ट नंबर है वो है 4। अब ये जो एक्ट नंबर है, सिंपली एक्ट नंबर होता क्या है और एक्ट नंबर क्यों लगाया जाता है। हर ईयर के अंदर अगर कोई भी एक्ट पास होता है, हर ईयर के अंदर अगर कोई भी लॉ की बुक एज अ एक्ट पास होती है, तो अगर एक ईयर, वन ईयर के अंदर, फॉर सपोज़ कि एक साल के अंदर 4 या 5 या 6 या 10 बुक्स पास हुई, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बुक जो है इसका एक्ट नंबर क्या है, या इस बुक को किस कैटेगराइज में रखा गया, यानी कि ये बुक जो है फर्स्ट बुक थी उस ईयर में, सेकंड बुक थी, यानी कि 1882 के अंदर ये फर्स्ट बुक थी, सेकंड बुक थी या थर्ड बुक थी। तो हर बुक का एक अपना अपना एक्ट नंबर होता है। इसी तरीके से उस एक नंबर के तहत हमें पता चल सकता है कि इसका एक नंबर क्या है और ये उस ईयर के अंदर कौन सी बुक कौन से नंबर पर पास हुई। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है उसका एक नंबर 4 है, पहली चीज़। और ये इन्फोर्स कब हुई, सबसे पहले ये इनेक्ट हुई, इट वॉज इनेक्टेड ऑन 17 फरवरी को जो है ये इनेक्ट होती है, 17 फरवरी 1882 को। और जो है ये, अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बुक होती है तो उसकी इनेक्टमेंट डेट अलग होती है, उसकी इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट ये है कि ये बुक इनेक्ट हुई या पास हुई इस डेट को, इट मीन्स के 17 फरवरी को, और ये बुक इन्फोर्स हुई, इट मीन्स के उस डेट से, उस डेट के बाद से ये इन्फोर्सेबल है फॉर द टेरिटरी, इट मीन्स के उस डेट के बाद से ये जो है अब एप्लीकेबल होगी। किस तरीके से, कि फॉर एग्जांपल अब ये जो है 1 जुलाई 1882 को जो है क्या हुई, ये इन्फोर्सेबल हुई। इट वॉज इन्फोर्स्ड 1 जुलाई 1882। अब 1 जुलाई 1882 को जो है ये इन्फोर्समेंट डेट है इसकी। इनेक्टमेंट डेट क्या है, इसकी इनेक्टमेंट डेट है 17 फरवरी इसकी इनेक्टमेंट डेट है, इट मीन्स कि ये जो है पास हुई 17 फरवरी को, लेकिन ये इन्फोर्सेबल होगी 1 जुलाई 1882 से। और इसके जो प्रीवियस, अगर हम देखें इस डेट से पहले की जो डेट्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी, उन पर ये इन्फोर्सेबल नहीं होगी। अब जो ये शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल में सिंपली हमें क्या बताया गया कि इस बुक का नाम क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस बुक के तहत, इस एक्ट के तहत जितने भी प्रॉपर्टी के मामलात हैं हमारे, जितने भी प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफ़र होती है, तो वो ट्रांसफ़र होती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि इनवॉलेंट्री ट्रांसफ़र होती है, इट मीन्स के बाय द विल ऑफ पार्टीज। एक होती है वॉलेंट्रियल ट्रांसफ़र, एक होती है इनवॉलेंट्री ट्रांसफ़र, एक होती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो जो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ है,
तो वो जो है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में फॉल नहीं करेगा। हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिंपली हमें यही डिस्क्राइब करता है कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए बाय द विल, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, बाय द सेलर, बाय द एक्स। अब कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं किसी को, तो मैं सेलर हूँ, कोई बायर है, तो कोई परचेस करता है मुझसे, तो हम दोनों की कंसेंट से, हम दोनों की विल से अगर हम जो है एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो ये फॉल करेगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। लेकिन अगर मेरे मरने के बाद अगर मेरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है मेरी इनहेरिटेंस की तरफ, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई वो मेरी विल से नहीं हुई। हो सकता है मैंने प्री प्लानिंग कर रखी हो कि ये प्रॉपर्टी मैं किसी और को दूंगा, गिफ्ट करूंगा, या एक्स वाई जेड कुछ भी मेरी प्लानिंग हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, तो वो जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है ऑटोमेटिकली अगर ट्रांसफ़र कर दी जाए तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में नहीं आती। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सिंपली आज जो है हम 1 से 4 फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि इसके जो इंट्रोडक्शन के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे सेक्शंस हैं 1 से लेके 4 तक। इसके बाद हम इन फ्यूचर जो है, अभी इसके बाद जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू पेपर्स होंगे, क्योंकि पेपर्स की डेट आ चुकी है और पेपर्स जो है वो नियरली अनाउंस किए जा रहे हैं, आप सभी को पता है। तो होपफुली आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं जो है जल्द से जल्द टू द पॉइंट वो लेक्चर रिकॉर्ड करूं जो कि पेपर से रिलेटेड हो। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको सारे लेक्चर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू पेपर्स मिलेंगे और टू द पॉइंट पेपर्स से रिलेटेड ही होंगे। अब जो रिपीलिंग और सेविंग क्लाज है, हमारे पास रिपीलिंग और सेविंग क्लाज ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं और दोनों ही उलट हैं। एक है रिपील और एक है सेविंग। अब इन दोनों क्लाज का मतलब क्या है, रिपील और सेविंग? सेविंग क्लास मीन्स कि कोई भी ऐसा क्लास जो कि इस एक्ट के तहत सेव हो जाए, जो ये एक्ट जो है उसको सेव कर दे। और रिपील मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा सेक्शन किसी और बुक का जो कि रिपील कर दिया जाए इस एक्ट के तहत, इट मीन्स कि कोई भी एक्ट जो है वो रिपील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, रिपील हो जाए इस सेक्शन के तहत, तो उसको हम कहेंगे रिपीलिंग क्लास। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। अब जो सेक्शन नंबर 3 है हमारे पास, सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बताता है, इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन मीन्स तशरी, इंटरप्रिटेशन मीन्स तशरी। अब इस एक्ट के तहत, इस ये जो बुक है हमारे पास, इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। वो टर्म्स जानने के बाद ही अगर आपने मेरा आज का लेक्चर सुना, तो इन फ्यूचर जितने भी मैं लेक्चर्स बताऊंगा, इन फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा, जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे, उन सारों के अंदर जो भी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जो भी टर्म्स यूज़ होंगी, वो सारे के सारी इस इंटरप्रिटेशन क्लास से रिलेटेड होंगी और इन सेक्शन से रिलेटेड होंगी। अब जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लास है उसके अंदर वर्ड यूज़ किया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा वर्ड यूज किया गया है अटेस्टेड, थर्ड वर्ड यूज किया गया है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वन टू थ्री। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अटेस्टेड क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, या जो ये हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। सिंपली अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अटैच्ड टू अर्थ हो तो वो हमारी कहलाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऐसा मादा, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंपली इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करे और जो है वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सके, वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी उन चीज़ों से हटकर जितनी भी चीज़ें हैं, किस तरीके से, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन से अटैच्ड हो, ज़मीन से अटैच्ड हो, फिक्स्ड हो, और उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर जो है उसको निकाला ना जा सके, किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
ये दीवार है या यहाँ पर ये दीवारें हैं। अब इस दीवार को अगर मैं ज़मीन से उखेड़ूंगा तो डेफिनेटली ये दीवार जो है इस दीवार को डिस्ट्रॉय करके ही उखेड़ूंगा। या फिर अगर कोई दरख्त है, या फिर अगर कोई ग्रास है, या फिर कोई अगर दरख्त है उस दरख्त को भी मैं अगर उखेड़ूंगा तो डेफिनेटली उस दरख्त के वो डैमेज आएगा। तो हमार को जो इमोबल प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करती है, इमोबल प्रॉपर्टी डेफिनेटली हमें वो चीज़ डिफ़ाइन करती है जिसके अंदर जो कि ज़मीन से अटैच्ड हो, अर्थ से अटैच्ड हो, जिसके अंदर ग्रास भी आ गए, जिसके अंदर आपकी झाड़ियाँ, आपके जितने भी क्रॉप्स आ गए, सारी चीज़ें हमारी आ गई इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर। अब उसके बाद है अटेस्टेड। ये वर्ड जो अटेस्टेड है, डेफिनेटली आप ये अटेस्टेड का जब हम वर्ड सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम इंटर पास करके जब हम जो है यूनिवर्सिटी साइड पर गए तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा किसी गजेटेड 17 ग्रेड के ऑफिसर से। तो डेफिनेटली आपके जहन में ये आया होगा कि अटेस्टेड का मतलब वो है, लेकिन यहाँ पर अटेस्टेड का मतलब कुछ और है। अटेस्टेड हम किन डॉक्यूमेंट्स को करते हैं? हमने इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद हमने क्या किया, अपने जो है एक डॉक्यूमेंट्स को जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके फोटोकॉपी करवा के और जो है किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर जो हमारे जानने वाला उसके पास गए और हमने कहा इस पर आप अटेस्ट कर दें, साइन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के कॉपी हैं। किस तरीके से कि आपने हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और आपने जो है हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख कर इन फोटोकॉपीज पर साइन किया है, वो था अटेस्टेड। लेकिन यहाँ पर अटेस्टेड की मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है वो हमें डिफ़ाइन करता है सिंपली कि अटेस्टेड का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी दो शख्स जो अटेस्ट करे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, इट मीन्स कि अगर कोई भी शख्स प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो एटलीस्ट दो गवाह होने चाहिए, दो विटनेस होने चाहिए जो ये अपनी गवाही दें कि हमने अपनी आँखों से देखा इस शख्स को इस बंदे के नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के टाइम पर, या फिर ये शख्स जो है गिफ्ट कर रहा था इस बंदे को, तो हम चश्मदीद गवाह हैं, हम आई विटनेस हैं। तो अटेस्टेड या तो उस बंदे उन दो विटनेस के टू विटनेस, और दो विटनेस कौन से, जिनकी नॉलेज में हो या फिर उन्होंने देखा हो। अटेस्टेड हो गया। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जब क्लास के अंदर हम स्टडी कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी कि इंस्ट्रूमेंट, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, एक वो इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जो कि मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूज़िक्स में यूज़ किए जाते हैं, लिरिक्स में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या है? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या है? इस बुक के सेक्शन नंबर जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लास है, सेक्शन नंबर 3 है, वो डेफिनेटली हमें क्या डिस्क्राइब करता है, वो हमें सिंपली यही डिस्क्राइब करता है कि इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो। अब टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या है? सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट का जो मीनिंग है वो सुन लें आप कि इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या है। इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग यहाँ पर ये है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लॉ के अंदर इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग होती है कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जो कि विल में हो, जो किस में हो, विल। अगर किसी शख्स ने विल की है किसी और के नाम पर तो यहाँ पर वो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि विल भी तो एक्ट ऑफ पार्टीज होती है। जब कोई विल करता है तो वो अपनी कंसेंट देता है, अपनी मर्जी से विल करता है, तो क्या वो इस पे फॉल करेगी? वो चला जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में, यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जो कि रिलेटेड हो विल। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विल के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, विल के अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी से लेकर, वो सारे के सारे फॉल करेंगे किस में, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो आज सिंपली हमने सेक्शन 3 भी क्लियर कर लिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। एक चीज़ अपने जहन में इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेक्शन
ये जितने भी सेक्शंस हैं इसकी जो अगर आप बुकिश लैंग्वेज देखेंगे तो 1882 में इंग्लिश कुछ और थी। इस टाइम पे मॉडर्न जो ज़माना चल रहा है 21st सेंचुरी के अंदर इंग्लिश कुछ और है, मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। अगर आप बुक को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक वर्ड एक लाइन भी मेमोराइज नहीं होगी। अब यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 4 है वो सिंपली हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 4 हमें सिंपली इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है 1882, ये रिलेटेड इसके कुछ सेक्शंस हैं जो रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। किस तरीके से आप अगर सेक्शन उठा के देखें सेक्शन 8 सेक्शन नंबर 11, तो वेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट वेस्टेड यहाँ पर हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अंदर, वेस्टेड ट्रांसफ़र और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने पढ़ा वेस्टेड वेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से और भी कई सारे सेक्शंस जो के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेट करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ अपने आम वर्डिंग में कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है आपस में भाई बहन हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन यहाँ पर जो है वो मैच करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही ये एक्ट बनाया गया और ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा उस एक्ट के तहत भी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया कि जैसे कि वेस्टेड ट्रांसफ़र आ गया या फिर एक्स वाई जेड कोई भी, आगे चल के हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी है, तो डेफिनेटली एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये सेक्शंस। तो सिंपली आज हमने जो है सिंपली इंट्रोडक्शन किया, अब थोड़ा हम इस पोर्शन को भी देख लेते हैं। ये पोर्शन सिंपली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं या उन पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए हैं जो कि अनएजुकेटेड है या फिर जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंपली अगर हम देखें कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किस तरीके से की जाती है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले अगर आप किसी को भी अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका सिंपलेस्ट जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेके चलें, सबसे पहले करते हैं एग्रीमेंट टू सेल। क्या करते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल वही करेगा जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है तो मेरा भाई जो है वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर सकता। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। इट मींस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर हमारी भी NIC लगेंगे, हमारी NIC की 2 कॉपीज़ और जो है अदर पार्टीज़ की भी 2 कॉपीज़ ऑफ NIC, और जो है एक एग्रीमेंट होता है सिंपली कि मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ मैं, तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे हम। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ स्टाम्प पेपर एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि स्टाम्प पेपरिंग करेंगे कि मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ उसमें स्टाम्प्स लगेंगे कि ये एक्चुअली मेरे नाम पर है या नहीं। मैं जो है सिंपली ये देखूँगा, जो नेक्स्ट पार्टी है वो ये देखेगी कि क्या एक्चुअली ये इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, क्या ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इसका टाइटल इसके नाम पर है। उसके बाद उसके ऊपर स्टैम्प्स लगेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हर प्रॉपर्टी जो भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी होती है उसके टैक्सेस होते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी से आप कुछ अर्निंग करते हैं, किस तरीके से जैसे शॉप से हमारे पास उससे आप अर्न करते हैं हर मंथ, आप जो है क्या करते हैं उससे आप किराया लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ महकमे हैं जो कि आपसे एयरली टैक्स लेते हैं उस प्रॉपर्टी का। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस मैं क्लियर करूँगा, डेब्ट्स जितनी भी रही है मैं क्लियर करूँगा, अगर लीज पे थी मेरी प्रॉपर्टी तो वो भी हर चीज़ मैं क्लियर करके सम अप करके नेक्स्ट पार्टी को दूंगा कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कंडीशन ये है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस है, जितनी भी मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे उन कंडीशंस उनके सामने रखूंगा। उसके बाद राइटिंग ऑफ सेल डीड बनाऊंगा मैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम पर सेल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंपली जो है सिंपल वे है कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, सेल करने का किसी के नाम पर भी। कॉन्क्लूजन अगर हम देखें तो कॉन्क्लूजन हमें ये मिलता है, कोई भी शख्स ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए और ये
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये डील करती है इनवॉलेंट्री ट्रांसफर, इट मींस के बाय द एक्शन ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्शन से, पार्टीज के कंसेंट से, लेकिन यहाँ पर विल नहीं आएगी। यहाँ पर विल के अलावा जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो यहाँ पर आएगी। सिंपली आज हमने इंट्रोडक्शन किया, सिंपली आज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर को डील किया सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट हम जो है स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो पेपर में प्रीवियसली डिस्कस हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में, इट मींस के अभी जो 2021, 2022, 2023 के जितने भी पेपर्स आएंगे तो उनमें जितने भी सेक्शंस आएंगे या जितने भी मेन सेक्शंस हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू डेट्स ऑल।